दौर है साइंस, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का। धीरे धीरे हर चीज डिजिटल हो रही है। अब ये वो दौर नहीं जब एजुकेशन ऑप्शनल था, ये वो दौर है जहाँ एजुकेशन मैंडेटरी है। एजुकेशन अब इंसान की बेसिक नीड्स में शामिल हो गया है, जिसके बिना सब कुछ बहुत ज्यादा कठिन है। एजुकेशन अब हर देश के सफलता की सबसे अहम सीढ़ियों में से एक है, जिसके बगैर देश का विकास अधूरा है। और इसीलिए लगभग हर देश, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, हर कोई अपने देशवासियों को एजुकेटेड एंड लिटरेट देखना चाहता है। ऐसे में दुनिया के दो सबसे बड़े और ज्यादा संख्या वाले देश इंडिया और चाइना पीछे कैसे रह सकते हैं, और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो दिग्गज देशों के एजुकेशन को कंपेयर करेंगे और जानेंगे इनके बीच का अंतर। इस वीडियो में हम इन दोनों देशों से जुड़े पॉइंट्स जैसे लिटरेसी रेट, पीएचडी होल्डर, बजट, मिनिस्टर, टीचर्स और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, इन सारे पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडियाज़ टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, चाइना में स्टैंडर्ड चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इसके अलावा यहाँ वीगर, तिब्बतन और जुआंग भाषाएं भी बोली जाती है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। यहाँ इंग्लिश के अलावा 20 और भाषाएं बोली जाती है, और वैसे इंडिया में टोटल 447 नेटिव लैंग्वेजेस हैं। नंबर टू, लिटरेसी रेट की बात करें तो चाइना का लिटरेसी रेट 96.4% है, वहीं इंडियन लिटरेसी रेट 77.7% है। नंबर थ्री, जेंडर लिटरेसी रेट यानी जेंडर के अनुसार लिटरेसी रेट देखा जाए तो चाइना में मेल लिटरेसी रेट 98% है और फीमेल लिटरेसी रेट 94% है, वहीं इंडिया में मेल लिटरेसी रेट 84.7% है और फीमेल लिटरेसी रेट 70.3% है। शुरुआत में इंडिया के अंदर लड़कियों को पढ़ाना और उन्हें स्कूल्स तक ला पाना मुश्किल था, पर अब गुजरते वक्त के साथ ये आसान हो रहा है और इंडिया में फीमेल लिटरेसी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। नंबर फोर, चाइना में 2,914 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें 1,265 यूनिवर्सिटीज और 1,423 कॉलेजेस मौजूद हैं। यहाँ कुल 5,14,000 स्कूल्स हैं और इन स्कूल्स में कुल 260 मिलियन स्टूडेंट्स मौजूद हैं। वहीं इंडिया में 875 यूनिवर्सिटीज हैं, 40,000 प्लस कॉलेजेस और 1,80,000 स्कूल्स हैं, जिनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों शामिल हैं। इंडिया में चाइना के मुकाबले तीन गुना ज्यादा स्कूल्स हैं। इन स्कूल्स में 315 मिलियन स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अन अकेडमी आपके लिए लाया है इंडिया का सबसे बड़ा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसका नाम है अन अकेडमी इमर्ज। जैसे कि आप जानते ही हैं कि नए एजुकेशनल पॉलिसी के हिसाब से 21वीं सदी के स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अब थियोरेटिकल नॉलेज होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है मेंटल एबिलिटी। एप्टीट्यूड स्कूल एंट्रेंस, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। क्या आप भी अपना IQ टेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप एक्चुअल में देखना चाहते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं? तो ये टेस्ट आपके लिए ही बना है, अन अकेडमी इमर्ज, जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी आप सॉल्व कर सकते हैं। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है जिसपे आपको आज से तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप हो सके फ्यूचर रेडी। अन अकेडमी इमर्ज है बिल्कुल फ्री और आप जीत सकते हैं 5 करोड़ के प्राइजेस और अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। बस इतना ही नहीं, लकी विनर्स को मिलेगा मैकबुक, वन प्लस, आईफोन और ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस। और तो और, हर दिन एनरोल करने पे 7 लकी विनर्स को मिल रहा है एलाइट गुडी बैग। तो देर किस बात की, आज ही एनरोल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके और हमारा कोड FACTS10 यूज करें। याद रखे, सीट्स लिमिटेड है। नंबर फाइव, चाइना में हर साल 70,000 से 95,000 स्टूडेंट्स PhD एग्जाम्स देते हैं, वहीं इंडिया में 30,000 से 40,813 स्टूडेंट्स PhD के लिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सिक्स, नंबर ऑफ टीचर्स देखा जाए तो चाइना में 5,14,000 स्कूल्स में 260 मिलियन स्टूडेंट्स को 15 मिलियन टीचर्स पढ़ाती है, यानी चाइना में टीचर्स की गिनती 15 मिलियन है। वहीं इंडिया में स्कूल्स तो चाइना से तीन गुना ज्यादा है और स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा है, पर यहाँ सिर्फ 9 मिलियन टीचर्स है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अभी 1 मिलियन प्लस टीचर्स की सख्त जरूरत है, साथ ही यहाँ प्रोफेशनल टीचर्स की भी कमी है। इंडिया में कई स्कूल्स में टीचर्स सर्टिफाइड एंड प्रोफेशनल नहीं है। नंबर सेवन, चाइना में एडल्ट लिटरेसी रेट 96.84% है, वहीं इंडिया में एडल्ट लिटरेसी रेट 71% है। इंडिया का ड्रॉप आउट रेट 17% है, वहीं चाइना का ड्रॉप आउट रेट कुछ 4% के करीब है। नंबर एट, चाइना से पढ़कर कई सारे स्टूडेंट्स आगे जाकर CEO, चेयरमैन और हेड बने, पर चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से बहुत कम का ग्लोबल रोल है, यानी बेहद बड़ी कंट्री होने के बाद भी चाइना का कोई व्यक्ति किसी बड़ी ग्लोबल कंपनी का CEO नहीं है। जैक मा अलीबाबा के फाउंडर है और चाइना और पूरी दुनिया की एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, पर चाइना का कोई व्यक्ति किसी टॉप ग्लोबल कंपनी जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला के CEO नहीं है। पर वहीं इंडिया से हमारे पास है सुंदर पिचाई, गूगल के CEO, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO, शांतनु नारायण अडोब के CEO और राजीव ओरी नोकिया के CEO है, यानी बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज में इंडियन CEO है।
जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा गर्व और सम्मान की बात है। नंबर 9, अगर एजुकेशन मिनिस्टर्स की बात करें तो चाइना के एजुकेशन मिनिस्टर शेनबाओ शेंग है। ये एक चाइनीज पॉलिटिशियन है जिनका जन्म मई 1956 में हुआ था। वहीं इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल है जिनका पैन नाम निशंक है। ये इंडियन पॉलिटिशियन है जिनका जन्म 15 जुलाई 1959 में हुआ था। नंबर 10, बजट की बात करें तो चाइना अपने एजुकेशन सिस्टम पर कुल 685 बिलियन US डॉलर्स का बजट रखता है। वहीं इंडिया का एजुकेशन बजट 36.6 बिलियन है। इंडिया में अब बच्चों की स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अनुसार बच्चों को न सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी शार्प बनाया जाएगा। इनका ये भी प्लान है कि अगले 4 सालों में 22 मिलियन बच्चों को स्कूल तक जरूर पहुंचाया जाएगा। वहीं चाइना ने ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को फिजिकल और मेंटल तरीके से प्रिपेयर करते हैं। चाइना में बच्चों को लॉन्ग ब्रेक 1 आवर तक की मिलती है, यानी कि कुछ स्कूल्स में तो स्टूडेंट्स को लॉन्ग ब्रेक के बाद झपकी लेने का मौका भी दिया जाता है। हर देश अपने एजुकेशन को बेहतर करना चाहता है। इंडिया बहुत से देशों से एजुकेशन और कई तरीके से आगे है, पर ये जानना भी जरूरी है कि हमसे आगे कौन है ताकि हम बेहतर डेवलप हो सके। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें।